संगम विहार में 8 महीने की मशक्कत के बाद गॉड मदर को गिरफ्तार किया गया है। यह ऐसी लेडी डॉन है जो खुद तो अपराध करती ही थी, साथ ही अपने बेटों से भी ताबड़तोड़ अपराध करा रही थी। इस लेडी डॉन के सहित इसके परिवार पर कुल 113 संगीन मामले दर्ज हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में यह वही लेडी डॉन है जिसे इलाके के लोग क्या पुलिस भी कांपती थी। कई संगीन मामलों में वो कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुकी थी। पुलिस इसकी लगभग 8 महीनों से तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे संगम विहार इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसे आपराधिक दुनिया में मम्मी के नाम से पुकारा जाता था। लेडी डॉन, जी हाँ, ये वही महिला है जिसने अपने 8 बेटों के साथ इलाके के नाबालिग बच्चों को भी अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पहले तो उन्हें नशे की लत लगवाती थी और उसके बाद उन्हें हथियार भी मुहैया कराती थी, फिर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देती थी। फिर 8 महीने के प्रयासों के बाद एक ऐसी नामी क्रिमिनल जिसका नाम बजीरन है, उम्र लगभग 62 साल है, इसको गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले 16 साल से संगम विहार इलाके में अपना एक क्रिमिनल सिंडिकेट, एक वर्चस्व अपना अपराध के जगत में बना लिया था। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी रोमिल बनिया ने बताया कि बशीरन 8 महीनों से फरार थी। बशीरन के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस को 17 अगस्त को खुफिया जानकारी मिली थी कि बशीरन संगम विहार में अपने परिवार से मिलने के लिए आने वाली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर शुक्रवार रात करीब 12 बजे लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया। संगम विहार में सरकारी बोरवेल पर भी इसका कब्जा था और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए वो हर महीने उनसे मोटी रकम वसूलती थी। बाकी एसेट्स इन्होंने डेवलप किए हैं और भी आमदनी का जरिया नहीं है, सारा का सारा क्राइम एसेट से जमा किया गया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि मकोका को कन्विक्शन हम इस पर्टिकुलर क्राइम सिंडिकेट के तोड़ने के लिए जरूर लेते हैं। जंगल में दिसंबर 2017 में एक युवक का आंशिक रूप से सड़ा गला शव मिला था। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिराज के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जनवरी 2018 में एक नाबालिग को पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि उसने आकाश उर्फ अक्की, विकास उर्फ विक्की, नीरज उर्फ जग्गी, मुन्नी बेगम और बशीरन के साथ मिलकर मिराज की हत्या की थी। पूछताछ में बशीरन ने स्वीकार किया कि 60,000 रुपए लेकर उसने मिराज की हत्या की थी और इस काम को आकाश व विकास ने अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक बशीरन ने अपने 8 बेटों को भी अपराध की दुनिया में धकेल रखा है। उसके बेटे समीर उर्फ गुंगा पर 42, शकील पर 15, वकील पर 13, राहुल खान पर 3, फैजल उर्फ खड़का पर 9, सन्नी पर 9 और सलमान पर 2 मामले दर्ज हैं। एक बेटा नाबालिग है। चेल्सी रघुवंशी के साथ रेणुका राजपूत, तेज निगाह, दिल्ली।